हेलो फ्रेंड्स, प्रिया इजी कुकिंग में आपका फिर से स्वागत है। आज की हमारी रेसिपी है भरमा टिंडे। सब्जियों में भरमा सब्जियां किसे पसंद नहीं आती, और ख़ासकर भरमा टिंडा। यह बनाने में बहुत ही सिंपल होता है और खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। तो आज मैं उसी भरमा टिंडे की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। उससे पहले, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल बटन को भी प्रेस कीजिए। इससे मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए बनाते हैं मसाला भरमा टिंडा। भरमा टिंडा बनाने के लिए हम इस तरह के छोटे छोटे टिंडे लेंगे और उन्हें छील कर इस तरह से बीच में से कट लगा देंगे। साथ ही हम लेंगे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, एक मीडियम साइज़ का ग्रेट किया हुआ प्याज, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, मूंगफली के दाने जिसे मैंने बारीक कूट लिया है, नमक स्वाद अनुसार और गरम मसाला पाउडर। सबसे पहले हम सारे मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मसालों की डिटेल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। यह देखिए, मसाले अब अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। अब हम एक एक टिंडे में मसालों को फील करेंगे। यह देखिए, हमें इस तरह से टिंडों में मसालों को भरना है। इसी तरह हम सारे टिंडों में मसालों को भर देंगे। अब हमने सारे टिंडों में मसाले भर दिए हैं अच्छी तरह से। अब बढ़ते हैं हम हमारी नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अब कढ़ाई में हम 2 बड़े चम्मच तेल गर्म करेंगे, और तेल गर्म होने के बाद इसमें हम जीरा डालेंगे। अब इसमें हम सारे टिंडों को एक एक करके डाल देंगे। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब इसे मीडियम फ्लेम पर ढककर तब तक पकाएंगे जब तक कि टिंडे अच्छी तरह से पक ना जाए। साथ ही इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे। यह देखिए, टिंडों ने थोड़ा सा पानी छोड़ दिया है। इसे एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं। ध्यान रखिए, अगर टिंडे एकदम जूसी होंगे तो ही पानी छोड़ेंगे। अगर टिंडे आपके थोड़े कड़क हैं तो आप उसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिएगा, ताकि टिंडे अच्छी तरह से पक जाए। अब इसे ढककर फिर से पकाएंगे, क्योंकि टिंडे पूरी तरह से अभी पके नहीं हैं। अब दोबारा से इसे चेक कर लेते हैं कि टिंडे हुए हैं या नहीं। टिंडे के एक छोटे से टुकड़े को साइड में लेकर हम कट कर देखेंगे। यह देखिए, यह अच्छी तरह से कट हो चुका है, मतलब हमारे टिंडे बनकर रेडी हो चुके हैं। तो देखिए, थी ना यह एकदम बिल्कुल सिंपल रेसिपी। तो आप इसे एक बार घर पर जरूर ट्राई कीजिएगा, और हमेशा की तरह अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।